हमीरपुर जिला के सहकारी सभा ब्लूट में 7 करोड़ से ज्यादा हुए पैसों की घोटाले की आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़े जाने पर ग्रामीणों में गहरा रोष पनपा हुआ है। दर्जनों ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एसपी हमीरपुर के पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गुहार लगाई और मांग की कि आरोपियों को पकड़कर पैसों की भरपाई करवाई जाए। ग्रामीण महिला रेखा ने बताया कि 7 करोड़ के पैसों को लेकर सचिव फरार है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग की मिलीभगत से ही लोगों के पैसों पर डाका डाला गया है। उन्होंने मांग की है कि लोगों के पैसे रिकवर करवाने के लिए जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए। आज हमारा मेन मुख्य एजेंडा यही है कि हम पूरे जो सोसाइटियों का विभाग है यहाँ हमीरपुर या शिमला वाले जो भी हैं, जो भी इस गमन में 7 करोड़ का गमन हुआ है ब्लूट सोसाइटी का, ब्लूट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व है, और आज तक इस विभाग में विभाग की मिलीभगत से ये हमारा 7 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट हुआ है, और उसे विभाग ने ही गायब किया है। जो हमारा सेक्रेटरी वहाँ से गायब हुआ है पूरी की पूरी फैमिली लेकर, तो हम आज विभाग के ऊपर FIR दर्ज करवाने आए हैं। जो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे हम आग्रह करते हैं, पिछले राजनीति उन्होंने तो हमारा कोई भी साथ नहीं दिया, लेकिन आगे हम यही आग्रह करते हैं कि जो हमारे MLA साहब बने हैं, जयराम जी बने हैं, तो CM साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो हमारा साथ दें और जल्द से जल्द हमारा पैसा रिकवर करवाने की कोशिश करें। वहीं बुजुर्ग ने बताया कि कई महीने बीतने पर भी करोड़ों रुपए के गबन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण यहां वहां भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने सारी जमा पूंजी सोसाइटी में जमा करवाई थी और आज ऐसी नौबत है कि अपने ही पैसे को पाने के लिए लोग परेशान हैं। गब करता है और इसी वजह से मुझे पैरालाइज हो गया। आज मैं जानू हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है एक भी इस टाइम पे, और मैं इलाज कराना तो क्या कराऊँ, किससे कराऊँ। समस्या यही पे मेरी बहू जी वो बीमार ही बड़ी, तो पैसा जेड़ा था सारा सोसाइटी में जमा कराया वो था, तो वो सोसाइटी वाला ही ना ठीक है लेने है, सारे रिपोर्टा भी दी कोई पता ही नहीं लगे वह कने। हमारी बहू का ऑपरेशन हुआ, लोगों से हमने कर्ज लिया पैसे लिए तो उनका ऑपरेशन कराया। हमारे घर वाला सिर पे नहीं है तो हम पैसे लें तो किससे लें हैं, तो इलाज कहाँ से करवाएं, तो मैं अकेली घर में रहती हूँ तो मैं खर्च कहाँ से लाऊं। डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ने जो काम नहीं किया है, सारा काम वगैरह हमारे यहाँ ऐसे फंसे हैं, वो घर में बीमारी भी होती है, रहा है सब कुछ है, तो जो भी पैसा था वो वहाँ पर ही रखा है हमें, तो उन्होंने कोई पैसा नहीं आज तक दिया, तो ये होना चाहिए हमारे को कि हमारा पैसा जो भी है वो मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया है, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया है, नहीं आज तक 8-9 महीने हो गए, तो वो बंदा फड़े नहीं किया जा, अगर बंदा वो फड़ लेते तो कहते आ जाएगा, आना कहाँ से है। कितना पैसा बचा? 7 करोड़ रुपया आएगा। ये विभाग जो भी विभाग ने करना है ना, विभाग ने कुछ नहीं किया है हमारे को। शिकायत है हमारी सोसाइटी में गमन हुआ 7 करोड़ रुपये का, वो आज दिन तक डिपार्टमेंट को भी लिखा हमने, बताया कई बार मिलने आए, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं हुआ आज दिन तक। कम से कम 4-5 महीने हो गए। अब हमारे ये मांग है हमारा फैसला कितना जाए, हमारे जेड़ पैसे जमा है लोगों के पास वो मिलने चाहिए हमारे को। 7 करोड़ रुपया कहाँ गया, वो इतना भारी पैसा था लोगों का, तो वो इस सोसाइटी वाला वो सेक्रेटरी खा गया कि और किसी ने खाया, अभी तो पता लगने चाहिए। पुलिस ने कंप्लेंट की थी, बोले अभी तक लग रहा पता नहीं लगा, कोई भी ढूंढ रहे हैं यही बोलते हैं जब जाते हैं उनके पास। गौरतलब है कि करीब 8 माह पहले सहकारी सभा ब्लूट में सहकारी सभा के सचिव के द्वारा लोगों की जमा पूंजी पर हाथ साफ करने के बाद फरार हो गया। करीब 7 करोड़ के ग्रामीणों की राशि को लेकर सचिव आज दिन तक फरार है, लेकिन पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर पाई, जिस कारण अब ग्रामीण भी पुलिस और अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि कई बार DC पुलिस के पास भी ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर अब ग्रामीण मायूस हो चुके हैं।